हल्द्वानी के बहुचर्चित बन फुलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उससे पूर्व प्रशासन रेलवे वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीरज सिंह का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा। जिलाधिकारी धीरज सिंह ने कहा कि जल्द सर्वे और सीमांकन का कार्य होगा। सभी टीमें संयुक्त रूप से रोजाना बन भूलनपुरा क्षेत्र में सर्वे कर रही है। गौरतलब है कि बीते 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे के अतिक्रमण 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 78 एकड़ में 4,563 घर तोड़े जाने का आदेश हुआ था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश स्टे देते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी को लगाई है। लिहाजा प्रशासन अपने सर्वे कार्य में जुट गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसमें देखिए, जो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको असिस्ट किया, पुलिस फोर्स भी उसमें साथ थी। क्योंकि हमें अभी जो नजूल भूमि है और रेलवे की भूमि है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी हमें देनी है, इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है, रेवेन्यू की हमारी टीम है और फॉरेस्ट की टीम है।